दुर्भाग्य कहिए कि हम लोग तो सड़क पे ही डा गए और वो जहाँ से आए थे फिर वहीं चले गए। शरीर का एक रोवा भी टूटता है तो तकलीफ होती है। अरे भाई, उनका कलेजा क्यों फट रहा है? उनको तो पटाखा उड़ाना चाहिए। मालूम है, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं करते हैं कि राजनीति अपने लिए होती नहीं है। देखिए, हमारे साथ विशिन पटेल जी हैं और कहीं ना कहीं जहां एक तरफ विपक्षी एकता की एक अहम बैठक बिहार में बुलाई गई है, वहीं महागठबंधन में अभी से ही फूट दिखने लगा है। संतोष सुमन ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। भाई, ये तो उन्होंने जो इस्तीफा दिया, ये कोई अप्रत्याशित घटना नहीं है। ये बातें तो बहुत दिनों से चली आ रही हैं कि हमारा कुछ शर्त है, हमारी शर्त को मान लीजिए। देखिए, माझी जी के साथ हम नीतीश कुमार जी से अलग हुए थे, आप जानते हैं, और सब लड़ाई उनकी हम लोग लड़े। उनको दुर्भाग्य कहिए कि हम लोग तो सड़क पे ही डा गए और वो जहाँ से आए थे फिर वहीं चले गए, और उससे एक कदम और आगे जाइए कि गए भी और फिर वहाँ से वापस भी हो रहे। उनके लिए राजनीति व्यक्तिगत लाभ और हानि की का खेल है। वो उनको नहीं मालूम है, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं करते हैं कि राजनीति अपने लिए होती नहीं है। राजनीति समाज और प्रदेश और देश के लिए होता है। उसको दरकिनारे करके उनका ये फैसला हुआ। अभी जिस धारा में वो थे महागठबंधन में, एक बड़ी चुनौती 24 का लोगों ने झेला था, तो बजाय इसके कि उस चुनौती को का ये सामना करते, ये अपने लाभ और हानि की बात करके इन्होंने गठबंधन से दरकिनारे का इन्होंने सोचा है। संतोष सुमन ने जो बातें कही हैं कि जेडीयू की तरफ से लगातार दबाव दिया जा रहा था कि हम पार्टी को मर्ज कीजिए, और यही कारण है कि पार्टी का अस्मिता का तो सवाल था। ये तो वो कह रहे कि दबाव था। हम आप तो नहीं जानते हैं दबाव था कि नहीं था, लेकिन इनकी जो पार्टी है वो दबाव क्यों डालेंगे नीतीश कुमार कि आप हम में शामिल हो जाइए? अरे भाई, उनका अपना संगठन है, आपका अपना संगठन है, और हम लोग उस संगठन में रहे हैं, और इस संगठन का क्या जमीन है वो भी हम जानते हैं और दुनिया जानती है। जी के आउट होने से महागठबंधन को फर्क पड़ेगा? देखिए, शरीर का एक रोवा भी टूटता है तो तकलीफ होती है, वो तो इंसान है। और इतना मैं कह सकता हूँ कि बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला। पर बीजेपी कह रही है कि नीतीश कुमार महागठबंधन को बिहार में एकजुट नहीं रख पा रहे हैं, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव बिहार में महागठबंधन को एकजुट नहीं रख पा रहे हैं, तो अब तमाम विपक्षी दलों को एक मंच पर कैसे लाएंगे और एकजुट कैसे? अरे भाई, उनका कलेजा क्यों फट रहा है? उनको तो पटाखा उड़ाना चाहिए कि गठबंधन टूट रहा है। उनको चिंता से मुक्त होना चाहिए ना, चिंता क्यों कर रहे हैं? वो चिंता कहिए उनको नहीं करने के लिए, यानी किसका तेल जले और किसका छाती फटे वो कहिए उनको। समय का इंतजार कीजिए, ये देश गांधी का देश है और ये देश गांधी का देश रहेगा। गांधी के हत्यारों के हाथ में ये देश नहीं जाने वाला। बीजेपी से क्या मांझी जी का दिल मिल चुका है? अब ये बात अब उन्हीं से पहले भी दिल मिल चुका है, आगे भी उनका मिलेगा। किस किस से उनका दिल मिलेगा, उन्हीं से, उन्हीं के दिल से पूछिए जा। तो आपने सुना विशिन पटेल को स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि पहले भी दिल मिला है बीजेपी से और आगे भी दिल मिलेगा, बहुत लोगों से दिल मिला है उनका। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब कर ले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।